भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे जहां पर भोपाल के करीब मौजूद भोजपुर शिव मंदिर को उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। इस मंदिर का शानदार स्ट्रक्चर लोगों को हमेशा से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खासकर त्योहारों पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ यहां पर लग जाती है। कई सदियों से ये मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र रहा है। देखिए रिपोर्ट। सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर मंदिर श्रद्धालुओं की भक्ति और आस्था का केंद्र है। एक तरफ इस मंदिर में आस्था की सरिता है तो दूसरी तरफ रहस्य और किंवदंतियों का सैलाब भी है। राजधानी भोपाल के पास रायसेन जिले में मौजूद है भोजपुर शिव मंदिर। ऐतिहासिक और पौराणिक अहमियत रखने वाले इस मंदिर को परमार वंश के राजा भोज प्रथम ने बनवाया था। इस मंदिर में मौजूद विशाल शिवलिंग एक ही पत्थर पर बना सबसे बड़ा शिवलिंग है। बेतवा नदी के किनारे बना ये शिव मंदिर बेहतरीन आर्किटेक्चर का नमूना है। भोजपुर मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर एक रात में इसका निर्माण कराया गया था। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पर ईंट, सीमेंट और गारी का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि पत्थरों और पत्थरों के प्लर से ही इस मंदिर का निर्माण कराया गया। तीसरी खासियत ये है कि इस मंदिर में जो शिवलिंग है उसकी चौड़ाकार जलहरी है, जो कि अपने आप में अनूठी और अद्भुत है। इस मंदिर के अधूरे रह जाने के पीछे भी कई कहानियां हैं। कहते हैं कि इसे एक ही रात में बनाया जाना था, लेकिन ऐसा हो ना सका और सुबह होते ही इसका काम बंद कर दिया गया। तभी से लेकर आज तक ये मंदिर अधूरा पड़ा है। मंदिर का गुंबद इसकी गवाही देता है। ये माना जाता है कि महाभारत के दौर में पांडव यहाँ अज्ञात वास पर थे, उनकी माता कुंती ने यहाँ शिव पूजा भी की थी। और कहानी है जिसमें ये कहा जाता है कि जब राजा भोज को बीमारी हुई थी और उनको स्वस्थ रहने के लिए शिव मंदिर के निर्माण की बात कही गई थी, और इसीलिए राजा भोज ने भोजपुर मंदिर का निर्माण कराया था। ये मंदिर बताते हैं एक रात का मंदिर है। जब पांडव को मिला था अज्ञातवास, उनने काटा था भीमबेट का में, उनके साथ थी कुंती माँ। कुंती माँ के लिए ये मंदिर बनाया पूजा करने के लिए। बताते हैं कुंती माँ शिव जी का एक उपवास करती थी व्रत, जब तक वो पान सेवन नहीं करती थी, जब तक अपनी पूजा नहीं करती थी, इसलिए पांडव ने मंदिर को बनाया। महाशिवरात्रि पर यहाँ लाखों भक्त अपनी मुराद लेकर पहुँचते हैं। कहते हैं भगवान भोलेनाथ सच्चे दिल से मांगी गई हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मैं वैसे यहाँ से पहले अभी मैं उज्जैन भी होकर आई हूँ, तो वहाँ भी एक अलग सा ही सुकून मिला है और यहाँ पे भी एक अलग सी ही शांति मिली है। जो जैसा शिव जी भगवान भी ऐसे होते हैं जो मन के देवता माने गए हैं ना, तो वैसा मन को सुकून मिलने वाली शांति मुझे इधर मिली है। मैं जयपुर से आया, आते ही शिव जी के दर्शन होते तो ऐसा लगता है कि इतना विशाल शिवलिंग जब हम देखते हैं तो एक मन को इतनी प्रसन्नता होती है कि हमारे मतलब आसपास भी ऐसी चीज़ें हैं। यहाँ से हम लोग पूरा देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई अलग ही जगह पर आ गए हैं, तो काफ़ी अच्छा एक अनुभव रहा हमारा यहाँ पर आने के। भोजपुर मंदिर ही नहीं, इसके आसपास के इलाके का इतना समृद्ध इतिहास है कि इसे इतने कम वक्त में समेट पाना बहुत मुश्किल है। इतिहासकारों के लिए यहाँ पर अनगिनत सवाल हैं, तो शिव साधकों के लिए समर्पण का मौका। पुराण और प्रमाण के तर्क वितर्क से इतर शिव भक्तों के लिए यहाँ पर असीम शांति है। कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ बंसल न्यूज़ के लिए रंजना दुबे, भोपाल।